को क्या बेस्ट चाहिए, कुछ बंदों की जरूरत तो 7,000 रुपए वाले फोन से भी पूरी हो जाती है ना, तो उसके लिए तो वही बेस्ट हुआ। 50-60 हजार रुपए वाला फोन खरीद के भी है ना परेशान रहते हैं, उनकी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती। भाई महंगे फोन के चक्कर में ना बहुत सारे भाई अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो में है ना आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको महंगा फोन खरीदना चाहिए या फिर बजट फोन खरीद लेना चाहिए। देखो बजट फोन से भी है ना आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, मगर फिर भी हम किसी की देखा देखी है ना महंगा फोन खरीद लेते हैं। आपके पास 15,000 का बजट है कि दोस्त ने 81,000 का फ्लैगशिप फोन ले लिया, तो सवाल ये आता है क्या आपको भी ज्यादा पैसा लगाना चाहिए या बजट फोन ही बेस्ट है। करेंगे बजट फोन और फ्लैगशिप फोन का कंपैरिजन, कौन सा लेना सही रहेगा और किस तरह का यूजर कौन सा फोन ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। सबसे पहले बजट फोन की बात करते हैं। 10,000 से 20,000 रुपए के बीच आने वाले फोन को बजट फोन कहते हैं। ये फोन उनके लिए जो बेसिक और नॉर्मल यूज चाहते हैं बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। इन्हें मैं आपको चार फायदे बताता हूँ। अफोर्डेबल प्राइस होता है, कम बजट में अच्छा फोन मिल जाता है, सोशल मीडिया कॉलिंग ब्राउजिंग के लिए बेस्ट होते हैं ये वाले फोन। तीसरा गुड बैटरी लाइफ होती है, बजट फोन में है ना बड़ा बैटरी बैकअप मिलता है, वैल्यू फॉर मनी होते हैं। अगर आप एक बेसिक यूजर है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहते हैं। थोड़े से नुकसान जरूर रहते हैं, इसके तीन नुकसान बता देता हूँ आपको। एवरेज कैमरा मिलता है आपको इसमें, देखो इसमें आपको एक तो नाइट फोटोग्राफी नहीं मिलेगी और अल्ट्रा शार्प इमेज नहीं मिलेगी, तो ये फोन कभी कभी आपको प्रीमियम नहीं लगेंगे। तीसरा जो होता है परफॉर्मेंस का इशू होता है, ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता, गेमिंग करोगे या हैवी यूज करोगे तो फिर ये लैग कर सकता है, बस यही नुकसान है और ये भी कोई नुकसान नहीं है भाई। आजकल तो भाई 15 से 20 हजार रुपए तक में भी आपको तगड़े तगड़े गेमिंग वाले फोन मिल जाते हैं। अब फ्लैगशिप फोन की बात कर लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल जाता है फ्लैगशिप फोन में। 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 के बीच में आने वाले फोन प्रीमियम फोन कहलाते हैं। इसके भी कुछ फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो प्रीमियम डिजाइन मिलता है, बैक में आपको ग्लास मिल जाएगा और साइड में आप मेटल बॉडी मिल जाएगी और आपको प्रीमियम लुक देता है। और भाई इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होती है ना। लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, एप्पल का फोन है तो आपको एप्पल की चिप मिल जाएगी। तीसरी बात, प्रो लेवल का कैमरा मिल जाता है। मान लीजिए डीएसएलआर से फोटो खींची हो, पूरा डीएसएलआर के बराबर तो नहीं होता, ये तो बात झूठ होती है, मगर डीएसएलआर लेवल की आप फोटो खींच सकते हो। कुछ फोन ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि डीएसएलआर से फोटो खींच रखे, मगर वो DSLR से होती नहीं है। वीवो का X200 मान लीजिए, इसमें आपको नाइट मोड मिल जाता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, मगर के वीडियो रिकॉर्डिंग से डाटा भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज भी जल्दी भर जाएगी। चौथा इनमें है ना आपको बेस्ट डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। और पांचवा, आपको लॉन्ग टर्म यूज के लिए ना साल तक है ना आप बिना दिक्कत के इस फोन को चला सकते हो। फ्लैगशिप फोन के कुछ नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये भाई, सबके बजट में ये फोन नहीं होता, एक्सपेंसिव रिपेयर होता है। अगर आपके हाथ से फोन गिर गया भाई इतना खर्चा आ जाता है भाई, ठीक कराने की हिम्मत नहीं रहती। मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ भाई सारा दिन, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी देखता हूँ। जो फोल्ड वाले फोन होते हैं ना उनकी इंच खराब हो जाती है भाई, ठीक कराने की हिम्मत नहीं होती बंदे की। भाई 30 से 35 हजार रुपए खर्चा सुनते ही ना बंदा कहता है कि मैं तो इसे अलमारी में फेंक दूं, मैं तो दूसरा फोन ले लूं एक मिड रेंज का। अभी भाई बिल्कुल बजट बिगड़ा हुआ है, मगर उस बंदे ने लिया कैसे था, वो फोन किस्तों में लिया था। अब वो किस्तें भी भर रहा खाम खाएं कि दिखावे के चक्कर में फोन खरीद लिया था, तो भाई ऐसी गलती भी आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिंग बहुत महंगी होती है। तीसरी बात, ओवरकिल फॉर नॉर्मल यूजर। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गया है ना, तो आपको ये महंगे फोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात आ जाती है आपके लिए कौन सा मोबाइल फोन बेस्ट है। बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट करके पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे लिए कोई फोन बताओ। देखो स्टूडेंट के लिए तो बताना चाहूंगा भाई, 15 से 20 हजार रुपए का बजट आपके लिए बेस्ट रहता है। इसके बीच में आप कोई सा भी फोन चूज कर लेना, सही निकलेगा। PDF रीडर का यूज करना होता है ना स्टूडेंट के लिए, यही तो चीजें चाहिए होती है। 15 से 20 हजार के बीच में ना आपको बड़ी डिस्प्ले वाला फोन भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी बात, अगर आप गेमिंग और फोटोग्राफी या फिर प्रोफेशनल काम के लिए फोन चाहते हैं ना, तो भाई फिर 40,000 रुपए तक का रेंज या फ्लैगशिप फोन लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो कई बंदे ऐसे होते हैं जो मल्टीमीडिया का काम करते हैं, जैसे DTP वर्क हो गया या फिर कोई मल्टीमीडिया का काम कर रहा है जिसमें प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो भाई उस बंदे के लिए तो 40,000 रुपए तक के फोन ठीक है, इस रेंज में आप फोन देख लेना। तीसरी बात, अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफ डिवाइस चाहिए, तो फ्लैगशिप फोन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए भाई जिनके काम का हो, खाली दिखावे के चक्कर में ये महंगे फोन मत लेना, वरना नुकसान में रहोगे। मेरी तरफ से एडवाइस ये आ जाएगी भाई, आपको ना कभी भी फोन खरीदना चाहिए ना तो अपनी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए। सबको फ्लैगशिप की जरूरत नहीं होती और सबको बजट फोन से काम नहीं चलता। आप कौन सा फोन यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कई बंदे ना मुझसे कमेंट करके पूछते हैं भाई मुझे 15,000 रुपए में बेस्ट फोन बता दो। देखो बेस्ट फोन कुछ नहीं होता, आपको क्या बेस्ट चाहिए। कुछ बंदों की जरूरत तो 7,000 रुपए वाले फोन से भी पूरी हो जाती है ना, तो उसके लिए तो वही बेस्ट हुआ। 50-60 हजार रुपए वाला फोन खरीद के भी है ना परेशान रहते हैं, उनकी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती। जैसे मान लो कोई बंदा किसी की बातों में आके गेमिंग वाला फोन ले ले, भाई उसमें कैमरा ढंग का मिलेगा ही नहीं आपको, उसका दिमाग खराब हो जाएगा बंदे का, यार मैंने तो 40,000 रुपए फूंक दिए इस फोन के अंदर, भाई इसमें तो कैमरा ढंग का ही नहीं रहा, इसमें ये मोड नहीं मिल रहा है, इसमें वो नहीं मिल रहा है, इसमें OIS नहीं मिल रहा। सारी चीजें होती है जो उसमें से कटौती कर दी जाती है गेमिंग वाले फोन में से। गेमिंग वाले फोन में ना आपको परफॉर्मेंस मिलेगी और मल्टीटास्किंग बढ़िया मिलेगी बस। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि अपनी जरूरत के हिसाब से मोबाइल फोन खरीदा। प्रोसेसर किससे कहते हैं, देखो मैं प्रोसेसर आपको दिखाता हूँ।
वो कैमरा होने लगा रहेगा। ये होता है इसका प्रोसेसर मोबाइल फोन के अंदर, हर मोबाइल फोन के अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है ना, उसी तरीके से एक मदरबोर्ड में, एक मोबाइल फोन में प्रोसेसर एक बहुत मेन चीज होती है, ठीक है। और एंड्रॉइड फोन में ना आपको दो तरीके के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन का और एक मिलेगा मीडियाटेक का। अब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा। जैसे कोई बंदा फास्ट और इंटेलिजेंट होगा ना, वो जल्दी काम करेगा, तरीके से एक अच्छा प्रोसेसर फास्ट और स्मूथ काम करता है। समझ गए इतना? अब मैं आपको सबसे पहले स्नैपड्रैगन की तरफ लेके चलूं। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर क्वालकॉम बनाता है। ये प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है और एफिशिएंट होता है। ज्यादातर फ्लैगशिप फोन और प्रीमियम फोन में ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर की तीन खूबियों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये गेमिंग के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि इसके अंदर एड्रिनो जीपीयू होता है। आपने नाम सुना ही होगा इसका। नाम तो सुना होगा। जो गेमिंग में स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। दूसरी बात कहते हैं बैटरी एफिशिएंट की, ये ना बैटरी कम कंज्यूम करेगा और आपका फोन गर्म भी नहीं होगा। तीसरी बात, 5G और AI प्रोसेसिंग काफी अच्छी करता है। नेटवर्क और कैमरा फीचर बेटर होते हैं। आपने आजकल AI प्रोसेसिंग के बारे में तो देखा ही होगा ना, वो फोटो खींच के उसमें से गायब कर देते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है ना, इसीलिए फ्लैगशिप और प्रीमियम फोनों में आपको देखने को मिल जाता है। मैं तो कहता हूं तुमने फोटो खींचा ही क्यों था, जब उसमें से कुछ गायब ही करना था। तो ये AI प्रोसेसिंग के बड़े चर्चे चल रहे हैं आजकल। एग्जांपल के तौर पे ये S23 अल्ट्रा में आपको मिल जाएगा और OnePlus 12 में आपको मिल जाएगा और IQ 11 में आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे जो फ्लैगशिप फोन होते हैं ना, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी और बहुत सारे मॉडल्स में होता है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए कुछ मॉडल बता दिए। अब बात कर लेते हैं मीडियाटेक की। ये पावरफुल होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है। ये आपको है ना मिड रेंज के मोबाइल फोन में देखने को मिल जाएंगे, बल्कि जो बजट फोन होते हैं ना उनमें भी आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का प्रोसेसर सस्ते और मिड रेंज फोन के लिए बना होता है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन बैटरी और हीटिंग इशू कभी कभी हो जाता है। अब इसके भी तीन फायदों के बारे में जान लेते हैं। अफोर्डेबल प्राइस होता है, कम प्राइस में पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। दूसरा, आपको हाई कोर्स और ज्यादा स्पीड मिल जाती है, और इस प्रोसेसर की हीलियो और डायमेंसिटी सीरीज ये फास्ट होते हैं। तीसरी बात, ये गेमिंग के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं। और ये कौन कौन से फोन में आते हैं, एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स और वीवो के बजट फोन जो होते हैं ना, इनमें मेन मीडियाटेक प्रोसेसर होता है। यहाँ पे कुछ कमेंट के जवाब देना चाहूंगा। अरे बंदे पूछते हैं, भाई मुझे गेमिंग के लिए मोबाइल फोन चाहिए तो मैं कौन सा लूं? एक तरफा सोच के ना, स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर जिस फोन में लगे हो ना, वो वाले फोन को कंसिडर करना चाहिए अपने लिए। अब उसमें ना आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा फोन सूट करता है। बस उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए अगर आप गेमिंग के किंग बनना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आपका बजट टाइट है और एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो फिर मीडियाटेक भी बेस्ट है आपके लिए। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। देखो, अगर आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए मोबाइल फोन के अंदर तो आप स्नैपड्रैगन वाला मोबाइल फोन ले लो, पर मीडियाटेक नए फीचर जल्दी इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अपनी एक फाइनल एडवाइस दे देता हूँ कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। यहाँ पे सारी बातों को इकट्ठी करके मैं आपको दो एडवाइस देता हूँ। अगर आपका बजट आपको इजाजत देता है और आपको लंबे समय तक चलने वाला मोबाइल फोन चाहिए तो आप स्नैपड्रैगन की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप कम पैसे में ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फिर आप मीडियाटेक प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन भी ले सकते हो। छोटा मोटा एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूं तो स्नैपड्रैगन एक मर्सिडीज कार की तरह मान लीजिए। वो फास्ट भी है और स्मूथ भी है और काफी रिलायबल भी होती है। और बात करें मीडियाटेक की तो मान लीजिए, नहीं मारुति नहीं, इतना भी नहीं गिरना चाहिए, की गाड़ी मान लो, होंडा की गाड़ी मान लो महंगी वाली, वो थोड़ा सा अच्छा, काफी फास्ट होती है, काफी रिलायबल भी होती है ना, दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। बस ये समझ लीजिए मर्सिडीज गाड़ी महंगी आती है ना, होंडा की थोड़ी उससे सस्ती मिल जाएगी आपको, है ना। बस ये है कि होंडा की गाड़ी ज्यादा स्पीड में आप चलाओगे ना तो फिर तो कभी कभी गर्म भी ज्यादा हो सकती है ना। मेरा ख्याल है आप इन बातों को समझ गए होंगे। अब आपको मोटी मोटी बात और बता देता हूँ। भाई देखो, महंगे फोनों में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको मिलेगा और जो बजट फोन होते हैं सस्ते फोन, इनमें आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेसर खराब नहीं होता। ये है कि मीडियाटेक सस्ते फोनों में लगता है, स्नैपड्रैगन महंगे फोनों में लगता है। फोनों में क्यों लगता है? क्योंकि महंगे फोनों में आपको ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरे भी दिखेंगे, आप उसमें हाई रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले भी लगी होती है और काफी सारे हैवी पार्ट्स होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगाया जाता है। मगर जो मिड रेंज फोन होते हैं ना, इनमें इतने हैवी कैमरे नहीं होते, इतनी हैवी डिस्प्ले नहीं होती, इतने हैवी पार्ट्स नहीं होते इसके अंदर। रेंज का मतलब आप समझ ही गए, 10 से 20 हजार रुपए तक के जो फोन होते हैं इनमें आपको मीडियाटेक के ज्यादातर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या चाहिए। मेरा ख्याल है आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। चैनल पर नए मेहमान तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना। मैं मिलता हूं, गुड बाय, जय हिंद।